बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से रूम्स की कैटेगरीज हैं। तो जो अंदर बारीकियाँ हैं वो हमें यहाँ के मैनेजर हरजीत जी अच्छे से बताएंगे, और जो रूम की प्राइसेज हैं वो हमेशा अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, और इनके साथ ही इनका नंबर भी, तो आप वहाँ से सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो अभी हम देखते हैं, ये है हंटर हट। हंटर हट, यस मैम। बाकी इसमें और फैसिलिटीज जो एसी, हाँ जी, टीवी, अटैच वॉशरूम, ये सारा कुछ है। लगेज रैक है, सच अ स्वीट रूम ना, ये पुराने स्टाइल का संदूक है। इसमें आप अपना लगेज कोई भी, किसी ने अपना कुछ रखना हो तो अपना रख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा बेड है, जैसे कोई भी चाइल्ड अप टू 6 ईयर आ जाता है तो वो इस पे हम इसको एकोमोडेट कर लेते हैं। यहाँ पे सोफा कम बेड यहाँ पे लग जाता है। यहाँ का एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि जब भी आप किसी 5 स्टार्स में जाते हो ना, आपको अगर एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए हो तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, बट यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, रूम में पहले से अवेलेबल है अप टू 8 इयर्स तक, तब अप टू 8 इयर चाइल्ड के लिए। तो या अब ये बाहर बैठने के लिए हमें, जैसे कभी गर्मी या थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, किसी गेस्ट ने बाहर बैठना है, कोई चाय की कॉफी एंजॉय करनी है, और चाय कॉफी या व्हाट एवर जैसा भी आपको अच्छा लगता है वहाँ बैठ सकते हो। तो जैसे सर ने बोला, इसीलिए इसका नाम मिनी हट है, मिनी हट, हंटर हट, मिनी हट, हंटर हट। तो सर कितने कैटेगरीज हैं यहाँ पे? अभी हमारे पास डिलक्स रूम की 3 ही कैटेगरी है और एक स्वीट रूम है। फिलहाल स्टार्टिंग अभी 4 रूम से हुई है। अच्छा। 4 रूम अभी लाइन में, मोस्टली अक्टूबर तक वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे सामने, ओके, तो मोस्टली वो अक्टूबर तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो अभी ये है सेकंड रूम, सेकंड रूम है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें डस्टिंग चल रही है, अगर थोड़ा सा टाइम मिले मैं नेक्स्ट रूम आपको दिखा देता हूं, क्योंकि गेस्ट अभी जस्ट चेकआउट हुए हैं थोड़ी देर पहले। ये है वाइल्ड फ्लावर, क्योंकि हमने यहाँ पे रूम्स के नाम भी नेचर के हिसाब से ही रखे हैं। रूम का थोड़ा स्पेस बढ़ा है इसमें, हम सेम वही है पर कपल रह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे रख सकता है, एलसीडी टीवी पुराना जी, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बेड है। सिर्फ फर्नीचर बेसिकली जो बना है हम सब यहाँ की लकड़ी ही यूज करी, यहाँ के ट्रीज की लकड़ी, ये पुराना संदूक है, पुराना संदूक है, इसको एज अ लगेज रैक भी यूज कर लेते हैं, कुछ किसी ने रखना हो, रखना हो आते हैं कुछ तो। देखो तो पहला हंटर हट देखा था, उसका प्राइस थोड़ा सा कम है नियर नॉर्मल रूम से, और इसका प्राइस थोड़ा सा अप है। अब मैं आपको थर्ड कैटेगरी दिखाता हूँ, स्वीट रूम, जो सबसे हायर कैटेगरी नहीं मान सकते हैं कि थोड़ा सा हायर है, क्योंकि इसमें अटैच रूम हमने एक लगाया, उसमें हस्बैंड वाइफ और दो किड्स 18 साल तक के इजीली रह सकते हैं, मतलब एक फुल फैमिली के लिए, फुल फैमिली के लिए अटैच मिनी हाउस है। हाँ जी, अटैच किचन है उसके अंदर। आइए चलिए वहीं चलते हैं प्लीज, मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्टी पसंद आई होगी, कैसी लगी? अभी बस जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, नवंबर में ही, नवंबर में, यस, काफ़ी पीसफुल जगह है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये है स्वीट, स्वीट, यस, परोटा फार्म, ये इसका नाम और ये आपने देखे होंगे, ये हमारे एमडी सर, ये जो भी है हमारे एमडी सर खुद ड्राइव कर चुके हैं, एनएच कोई इंडिया की है कोई बाहर पाकिस्तान, जो जो रोड्स वो मतलब खुद ड्राइव कर चुके हैं, तो ये उनके माइलस्टोन्स क्या हैं? ये हाँ जी मैंने ये ड्राइव किया है, सो क्रिएटिव, प्लीज प्लीज। ये है स्वीट रूम, इसमें भी हमने एक्स्ट्रा बेड लगा रखा है कि कभी होता है कि फैमिली बोले खटे हमने यहाँ पे रहना है। अटैच किचन है, किसी ने अपनी किचन यूज करनी हो तो किचन भी कुकिंग के लिए।
सो गाइज, मुझे लगता नहीं है कि सेम प्राइस में आपको कहीं और किसी 5-star में भी ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी. मतलब एवरीथिंग इज हियर. तो दिस प्लेस इज परफेक्ट आई गेस. ये सेकंड रूम है, जैसे फैमिली के बच्चे कई बार बड़े होते हैं तो उनके लिए सेपरेट ही रूम कर दिया है हमने. ये वो इजिप्शियन पेपायरस है, ये बनाना जो होता है ना, बनाना का लीफ, उस पे ये होती है. क्योंकि जब मैं इजिप्ट गई थी मैं भी ये लेके आई थी. आई नो. हर एक जगह हमने सोफा कम बेड कर दिया है, अटैच वॉशरूम है. बस इसमें ये है कि वॉशरूम एक है लेकिन डोर अलग अलग है. पर चलो एक फैमिली आती है तो देखेंगे. हाँ, शेयर देखेंगे. यस, सच अ लवली रूम एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम. ये रूम हमारा है, लाइक आई एम गोना स्टे हियर. इन्होंने मुझे बेस्ट रूम दिया है. अगर अभी हम थोड़ा सा और आपने एंजॉय करना है तो एडवेंचर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बच्चे अभी थोड़े बहुत खेल रहे होंगे. थैंक यू. सेम थीम, बाहर बैठने के लिए, किसी ने बाहर बैठ के एंजॉय करना है. सो थैंक यू सो मच सर, ये सारे ट्रिप के लिए एंड मुझे बेस्ट रूम देने के लिए. थैंक यू मैम, आपका थैंक यू. आप इतनी दूर से हमारे लिए आए यहाँ पर, तो प्लीज़ थैंक यू. थैंक यू बस.